जी सर, जो तिहुथर में धान खरीदी की समस्या चल रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिन किसान परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिन केंद्रों का पोर्टल नहीं खुला था, उनमें से परसिया थी, रिमारी थी, चाकघाट अतरेला क्रमांक 2 और रायपुर, जी इनमें से 3 का पोर्टल खोल करके खरीदी शुरू हो गई और लगभग पूरी खरीदी हो गई है। आज सुबह तक सारी खरीदी हो गई है, लेकिन और भी कौन केंद्र थे जिनका पोर्टल 30-31 के दरमियान खुला था, लेकिन बारदाना के अभाव में और समय कम होने की वजह से उन केंद्रों का अभी भी धान की फीडिंग नहीं हो पाई है। उसमें से चाकघाट मंडी थी जिसमें से 34 किसान थे, 6,897 कुंटल, तिउथर में 332 किसान थे, 27,843 कुंटल, मांगी में 151 किसानों की 9,132 कुंटल, सुनौरी में 128 किसान 5,266 कुंटल, रायपुर में 38 किसान 1,982 कुंटल, नौबस्ता में 111 किसान 3,382 कुंटल और सोहरवा में 75 किसान 3,167 कुंटल। ये अभी भी लगभग 57,000 कुंटल के आसपास की धान की खरीदी बाकी है। जिस तरह से शासन और प्रशासन, प्रमुख सचिव और पीएस महोदय के द्वारा हमारे रीवा के कलेक्टर, तुंतर के एसडीएम, तहसीलदार द्वारा रिपोर्टिंग की गई, विपणन के राजन सिंह जी द्वारा एक एक जगह की रिपोर्टिंग लेकर के भेजी गई, मैं ये चाहता हूँ कि इतने किसानों की ये धान और खरीद ली जाए। तो इन किसानों की धान खरीदते ही किसानों का आशीर्वाद शासन और प्रशासन को जाएगा, साथ में वो किसान अपनी वेदना से भी मुक्ति पाएंगे। तो आज दूरभाष में 4:11 पे प्रमुख सचिव से बात हुई है और उनके पीए के माध्यम से बात हुई है। हमने ये सारी बातें जो आपको अभी बताई ये सब नोट करवा दिया हूँ और बिंद किसान परिषद ने मांग की है कि इन किसानों की भी धान खरीद ली जाए, जिससे किसानों के मन में खुशहाली आए और त्योंथर भी खुशहाल हो जाएगा, ऐसा भाव रखते हुए आज अभी बात करके और उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी देखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि धान खरीदी जाएगी, और यही मांग थी और इसी से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ।